हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, अभी हम रीडिंग करने वाले हैं कि मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड एट ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम से है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड मून। एम्प्रेस का भी कार्ड है, चलिए ले ही लेते हैं अब आया है तो। सो क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं? गाइस, पहला मैसेज ये है आपके पर्सन का कि मेरा जो मन है वो तुम्हारे बिना लग नहीं रहा है, मैं तुम्हें हर पल स्टॉक कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, पहला मैसेज आपके पर्सन आपको जो देना चाह रहे हैं वो ये कि मेरा मन तुम्हारे बिना लग नहीं रहा है और मैं जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। सो मैं तुम्हें काफी ज्यादा स्टॉक कर रहा हूँ, स्पाई कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है किसी फेक अकाउंट से या आपके बारे में पूरी नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं गाइस, लेकिन ये आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज मेरे से अपनी जिंदगी मत छुपाओ, मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और तुम क्या कर रहे हो। दूसरा मैसेज आपके पर्सन आपको ये दे रहे हैं गाइस कि जितना अट्रैक्शन तुम्हारे अंदर मेरे लिए है उतना अट्रैक्शन मेरे अंदर तुम्हारे लिए भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी हैं और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में गजब का अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कपल निकला है सेम एलिमेंट का। ठीक है, बस ये बात है कि आपके पर्सन इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं और आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हो, मतलब आप लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, बट मुझे ये यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस कि आप लोग का जो अट्रैक्शन है वो आप लोगों का एक दूसरे की तरफ ही है, आपके पर्सन का आपकी तरफ और आपका आपके पर्सन की तरफ। राइट नाउ दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है एंड ब्रेकअप सिचुएशन है। सो आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि भले ही हमारी बात नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे तुम में उतना ही इंटरेस्ट है जितना पहले हुआ करता था, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे अंदर आज भी वही क्यूरोसिटी रही रहती है तुम्हारे बारे में जानने की, तुम्हें देखने की, तुम्हें देखने भर से भी मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, और अट्रैक्शन की बात करूं तो गाइज आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि भाई वही अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तुम पहले भी मेरी एम्प्रेस थी और आज भी मेरी एम्प्रेस हो। ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा से एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखता हुआ आया हूँ, देखती हुई आई हूँ। ठीक है, तो मतलब आपके पर्सन आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि मेरे लिए तुम मेरा लक हो, मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो, एंड यहाँ पर जब से मेरा लक मेरे से दूर हुआ है मुझे काफी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर अगला मैसेज आपके पर्सन ये दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। ठीक है, हम दोनों दूर हैं बट हम लोग दूर रहकर भी दूर नहीं हैं। ठीक है, हमारे बीच में दूर जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे सोच में तुम्हारे साथ आज भी स्टक हूँ, तुम्हारी बातों में मैं स्टक हूँ, तुम्हारे बिहेवियर में मैं स्टक हूँ, मैं तुमसे अपने आप को नहीं छुड़ा पाया हूँ या नहीं छुड़ा पाई हूँ। ठीक है, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, हर पल मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करता हूँ, ये एनर्जीज भी है यहाँ पर। स्टार का कार्ड दिखा रहे गाइस कि आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि मेरे लिए तुम किसी
किसी स्टार से कम नहीं हो, किसी तारे से कम नहीं हो। एक विश होती है ना लोगों की कि मुझे चांद तारे चाहिए। सो आपके पर्सन ये आपको एक स्टार की तरह ही देखते हैं, विश की तरह देखते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप उनके लिए बहुत बड़ी विश हो, एक ऐसी विश जो उनकी अगर लाइफ में पूरी हो जाए तो उनकी पूरी खुशियां पूरी हो जाए। ठीक है, सो बहुत बड़ी विश आपके पर्सन आपको मानते हैं, और एक अच्छा हीलर भी आपको आपके पर्सन मानते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप लोग एक अच्छी फैमिली से हो, या फिर आपका बहुत नाम हो, बहुत फेम हो। ठीक है, आपके पास सो एक स्टार की तरह आप लोग हो भी सकते हो, तो आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह ही देखते हैं, कैम्प्रेस की तरह ही देखते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है कि मैं मेरे अंदर तुम्हारे लिए काफी सारे इमोशंस हैं। वो बात अलग है कि मैंने छुपा रखे हैं, मैं तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ या बताती नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं छुप छुप के तुम्हें काफी ज्यादा स्टॉक करता हूँ। ठीक है, मुझे हमेशा जानना रहता है कि मेरे बिना तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम मुझे मिस करती हो, क्या तुम मुझे मिस करते हो। मुझे हमेशा ये चीज जाननी रहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तभी भी मुझे हमेशा ये जानना होता है कि कहीं तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बदल तो नहीं गई, कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो गई, कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो गए। ये वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर आपके पर्सन आपको। अगला मैसेज ये भी दे रहे हैं यहाँ पर कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए स्टैंड लेने की, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए स्टैंड लेने की। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की। ये चीजें मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, क्योंकि जब तक मैं एक स्टैंड नहीं लेता तब तक मैं इसी तरीके से बंधा रहूंगा या बंधी रहूंगी। ठीक है, सो मेरा जरूरी है अपनी लाइफ के लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना। यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये भी बता रहे हैं कि एक लाइफ पार्टनर के तौर पर, ठीक है, अगर मुझे कोई अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर मुझे किसी के साथ फैमिली बनाने का मन करता है, किसी के साथ अगर मैं अपनी पूरी खुशियां देखता हूँ, ठीक है, कोई है जो मेरी लाइफ में हर तरीके से मेरी खुशियों को पूरा करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आपके पर्सन आपको ये मैसेज भी यहाँ पर दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरी खुशियों को सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, और तुम ही अगर मेरी लाइफ में रहते हो तो मैं खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ। एक लाइफ पार्टनर के तौर पर, एक जीवन साथी के तौर पर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ या तुम्हें चाहती हूँ। ये एनर्जीज है यहाँ पर। नाइन ऑफ कप्स आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि मेरी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस सिर्फ तुम हो, तुमसे मेरी सारी खुशियां हैं। तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं होते हो तो मुझे खुशियां खुशियां सी नहीं लगती हैं, मुझे उतनी खुशी नहीं होती है, मेरे को सेलिब्रेट करने का मन नहीं होता है, मैं अंदर से खाली खालीपन मुझे अंदर से फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे बांध रही है, कोई चीज मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। मैं पूरी तरीके से खुश तब हो पाता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ या मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। ठीक है, मेरी खुशियों को सिर्फ तुम पूरा करते हो, मेरी खुशियां सिर्फ तुमसे पूरी होती हैं। तुम ही मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसने मुझे जरूरत से ज्यादा हमेशा दिया है। अदरवाइज मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं हमेशा जिनके लिए मैंने हमेशा ज्यादा किया है, और उन्होंने बदले में मेरे साथ उतनी सारी चीजें नहीं की हैं। ठीक है, लेकिन तुम मेरे लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसने हमेशा मुझे बढ़कर ही दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बराबरी करना चाहता हूँ। अगर अभी तक तुम मुझे देते आए हो या देती आई हो तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सारी चीजों को यहाँ पर ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है पास्ट में, जो भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, जो भी तुम्हें परेशान किया है। ठीक है, अगर तुम्हें ये फील कराया है कि सिर्फ तुम ही कर रही हो या सिर्फ तुम ही कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे उस बात का रिग्रेट है, काफी गम है मुझे उस बात का, और मैं तुम्हारे साथ तुमसे बढ़कर तुम्हें देना चाहता हूँ। जो 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 भी तुम अभी तक मुझे देती आई हो या देते आए हो उसको मैं तुम्हें सूद समेत लौटाना चाहता हूँ। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की फील हुई है यहाँ पर। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर चैनल हुए हैं गाइस। अगर गाइस आपको चैनलिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, तो मैं चैनलिंग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और देखते हैं एक दो कार्ड्स। आपको चैनलिंग किसमें चाहिए, कैंडल वैक्स में चाहिए या फिर कार्ड रीडिंग में चाहिए? मेमोरीज ऑफ लव, मैं पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ हूँ। ठीक है, जो भी हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है मुझे वो सारी बातें याद आती हैं, और जब भी वो बातें मुझे याद आती हैं वो मेरे चेहरे पर एक अलग ही हंसी लेकर आती हैं, एक अंदर से सुकून देती हैं मुझे। और मेरा अनकंडीशनल लव हमेशा से तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही रहेगा। मेरा भी मन होता है कि हम लोगों का जो
लव है हमारे बीच में, जो प्यार है, जो अनकंडीशनल बॉन्ड है, वो स्टार्ट हो, हमारी न्यू बिगनिंग हो, यही मेरे मन में रहती है। क्योंकि मैं तुम्हारी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाता, मैं इस कनेक्शन से पीछा नहीं छुड़ा पाता, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता या भुला नहीं सकती। मेरे दिल में उसी तरीके से तुम रहते हो जिस तरीके से तुम्हारे दिल में मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं भूल पा रहे हो तो फिर मैं भी तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ। मेरी भी खुशियाँ तुमसे ही पूरी होती हैं, बस ये है कि मैं जता नहीं पाता, जता नहीं पाती। ठीक है, सो इस तरीके के मैसेजेस मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर मिले हैं। ठीक है गाइस, सो अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हो सकता है आपके पर्सन तक ये वीडियो पहुंचे तो आपका मैसेज उन तक पहुंच जाए। ठीक है, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको चैनलिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि चैनलिंग आप कैंडल वैक्स रीडिंग में चाहते हैं या कार्ड रीडिंग में चाहते हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये पसंद आई हो। थैंक यू गाइज।